माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना अपना प्रॉपरली ख्याल रख रहे होंगे। मैं निरंतर ऐसे वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूँ, जो कि आप लोगों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। इस संबंध में आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय से उनका जवाब दे दूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ऑड आवर्स में मेरे से फ़ोन करते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन है, आप रोज़ शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ही मुझे फ़ोन कॉल करें, जिससे जिस समय मैंने आप लोगों के लिए निर्धारित किया है उस समय मैं अपना आपको फ्री रखता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये एक सोशल सर्विस है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। हाँ, पर इतनी उम्मीद जरूर रखता हूँ कि जो लोग मुझे कॉल करें वो कॉल करने से पहले ये जरूर निश्चित कर लें कि उन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो इसी चैनल सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला अफजाई होता है और हम नए नए वीडियोस लेकर के आप लोग ले आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। कुछ लोगों का शिकायत रहती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट उनका फूला फूला रहता है, बहुत ज़्यादा डकार आती है, और जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी सोशली भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जैसे आप सोच लीजिए, आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं और किसी फैमिली फंक्शन में बैठे हैं और वहाँ पर आपको बार बार डकार आ रही है या गैस पास हो रही है, तो ये बहुत ही अनइजी सी अनसोशल स्थिति पैदा हो जाती है और बहुत अनकम्फर्टेबल रहता है। काफ़ी लोगों को वो ऐसे स्थान छोड़ के जाने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये इस तरह से ज़्यादा गैस लोगों में बन जाती है, और आप क्या घर में ही इसको कैसे, किन नुस्खों से आप इसको ठीक कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे कौन कौन से दवाएं ले सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो के अगले भाग में मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाया हुआ है, इसको आप लोग देखिए, समझिए और इसका फायदा लीजिए। कुछ भी आपको प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के और आप इसको कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं वीडियो के अगले भाग में क्या है। धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि पेट फूलना। देखिए, हमें से कोई नहीं चाहता है कि उसका पेट फूला फूला रहे या तो पेट बड़ा बड़ा दिखे, क्योंकि वो अपने आप में उसकी पर्सनालिटी को एक लेट डाउन करने की कोशिश करता है। आखिर क्या कारण होते हैं जिससे कि पेट फूल जाता है? देखिए, पेट फूलना या पेट बड़ा हो जाना जो कि जो समस्या है, उसके जो पेट फूलने के जो मुख्य कारण है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है पेट में फैट भर जाना। अगर आपके पेट में चर्बी हो गई है, पेट में फैट हो गया, क्योंकि हमारे पेट में इतना ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी होती है कि पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन फैट का जो है वो हमारे पेट में हो जाता है। तो पहला कारण है वो है कि फैट का बढ़ जाना। दूसरा कारण है फ्लूड। अगर पेट में एसिडिटी से पेट में पानी भर गया है तो उसके कारण भी हमारा पेट फूल जाता है। तीसरा है फीसेस। अगर आपको कब्ज है और आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप लैट्रिन आपको ठीक से नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपका पेट फूला फूला सा दिख सकता है। अगला कारण है वो है फ्लेटस। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, गैस फॉर्मेशन होना हमारे भारतीय पेशेंट में, जो हमारे पेशेंट रहते हैं, बहुत सी कॉमन चीज़ है जिसमें ज़्यादा मरीज की ये समस्या रहती है, जी डॉक्टर साहब हमारे पेट में गैस बन गई है और गैस हमारे दिमाग तक चली गई है। हालांकि ऐसा कोई रास्ता नहीं होता है जिससे कि गैस दिमाग तक चले, पर वो उलझन जो फीलिंग होती है उसको पेशेंट कहते हैं गैस हमारे दिमाग तक चली गई है। और फिर एक जो फीमेल में कारण होता है वो है फीटस, जबकि अगर जब पेट में बच्चा होता है तो पेट फूलता है। तो ये सब तो मैंने कारण बताए जिससे कि वैसे कि एक इंसान का, एक आदमी का पेट फूल सकता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि गैस, कुछ लोगों में अब ये गैस पेट में आती कहाँ से है, ये गैस की वजह से पेट फूल हो जाता है। कुछ लोगों में होता है कि रोज उनका ये शिकायत रहती है कि जी कुछ भी खाते हैं थोड़ा बहुत तो पेट को फूल जाता है और बहुत सारी डकारें आती हैं, बहुत सारी गैस पास होती है और दिन भर बहुत अनइजी से रहता है, वो कहीं भी जाते हैं तो डकारों की वजह से उनको सोशली बहुत अनकम्फर्टेबल से फील करते हैं। आखिर ये पेट में गैस, देखिए ज़्यादातर गैस जो पेट में जाती है वो हमारी आंतों और पेट में ही होती है, एक्युमुलेट होती है, और ये वो गैस होती है जो कि बाहर की गैस है। कुछ लोगों में इसको एरोफेजिया कहते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि गैस जो है वो अंदर की तरफ लोग लेते रहते हैं। ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि अच्छा, पेट में ज़्यादा गैस बनने के क्या कारण है? मुख्य कारण है जो लोग बहुत जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, क्योंकि उनको रहता है 2 मिनट में खाना फिनिश करना है, 3 मिनट में खाना फिनिश करना है। वो जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में क्या होता है, वो अपने पेट में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को इनहेल कर लेते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, जो बहुत ही ऑयली स्पाइसी फूड लेते हैं, या तो फिर हम देखते हैं कि जो बहुत ही तली भुनी चीज़ें और चीज़ बर्गर और मक्खन, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके पेट में ज़्यादा गैस बनने की टेंडेंसी अपने आप में हो जाती है।
अगला कारण क्या है? अगला कारण है जो लोग ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा लेते हैं, बियर लेते हैं और लिकर ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में भी गैस की ज़्यादा फॉर्मेशन होने की स्थिति बन जाती है। और कुछ लोगों में जो इनडाइजेशन होता है और कुछ जो हमारे सिस्टमिक कॉज है, किसी के लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और किसी कोई कब्ज ज़्यादा रह रही है, बाउल की मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही है, उन कारणों की वजह से भी पेट में गैस जल्दी ज़्यादा भर जाती है और वो गैस जो है अब जो ढकार के रूप में वो गैस निकलती है। पर ये मान के चलिए जब गैस एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर चली जाती है तो वो उसके निकलने का एक जो प्रमुख रास्ता होता है वो होता है एनएस के रास्ते से, या तो नीचे हवा के रास्ते से वो गैस ज़्यादा निकल जाती है। कुछ लोग कहते हैं अब डॉक्टर साहब ना गैस नीचे से निकल रही है ना ऊपर से निकल रही है, तो वो पेट उनके बहुत ही फूला पेट वाली स्थिति बन जाती है और टाइट बोले पेट हमारे घड़े की जैसे टाइट हो जाता है, ऐसे कोई ठक ठक बजाए तो आवाज़ भी उसमें आती है और गैस फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है। तो बाकी कुछ मेडिसिन है, कुछ लोग जो ज़्यादा दर्द की दवा ज़्यादा लेते हैं, स्टेरॉयड ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो ये तो मुख्य कारण मैंने आपको बताया जिसकी वजह से आपको गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। और आपको अगर आप इन चीज़ों में रेगुलराइज कर लें, इन चीज़ों में अगर आप नियमित ढंग से आहार खाएं, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन ना करें, आप अपने डेली रूटीन में वॉक को ऐड कर लें, डेली रूटीन में योगा को ऐड कर लें, डेली रूटीन में मेडिटेशन को ऐड कर लें, ये सब चीज़ें हम सब डॉक्टर कहते हैं लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। चलना उनको अपने ही रूटीन में है, लेट ही उठना है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करना है, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो मजबूरी है भाई, हम तो बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, हम होटल के खाना पड़ता है, ये सब चीज़ें अपनी जगह है, शरीर आपकी अपनी जगह है। अगर आप अपने शरीर को हार्म करना चाहते हैं तो आप इसको शौक से कंटिन्यू आप इसको करते रहिए, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैस की समस्या सॉल्व हो तो आपको सबसे पहला करना आपको अपने डेली रूटीन को, आपको खान पान को आपको रेगुलराइज करना ही होगा, नहीं तो फिर आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक एलोपैथी दवा के चक्कर में पड़ते रहेंगे, ये सारी दवा से ही आपका जीवन चलता रहेगा। तो उस चीज़ को मैं चाहता हूँ रुक जाए आपकी ये जो इस तो दवा जो एटलीस्ट गैस निकालने की दवा, पेट फूल जाने की दवा है, ये सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे बंद कर देना है। तो आप खाना जब लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आप उसमें ऑयली स्पाइसी फूड जो है ये सब चीज़ें बहुत ही लिमिटेड बहुत ही कम मात्रा में लीजिए, और आप खाने को आराम से चबा चबा के खाएं। और जब भी आप खाना लेते हैं कम से कम मान लीजिए आपको 15 से 20 मिनट आपको खाना खाने में देना ही है अगर आप चाहते हैं कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, नहीं तो खाते जाएंगे तो क्या होगा, आप साथ में हवा भी लेते जाएंगे। और कुछ लोगों की आदत होती है दिन में च्युइंगम चबाते रहते हैं, ये च्युइंगम दिन में चबाए जा रहे हैं, उसके च्युइंगम चबाने से भी गैस बहुत ज़्यादा अंदर जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस हमारे इंटेस्टाइन में पाती है वो गैस है जो कि हम बाहर से अंदर ले रहे हैं। अगर आपने इस चैनल पर थोड़ा सा आपने रोक कर लिया, इस चैनल को आपने थोड़ा सा देख लिया, तो आपकी ये 80% लोगों में मैं बता रहा हूँ ये गैस होने की समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, उनको इस तरह कोई समस्या रहेगी नहीं। पर अगर आप इसको नहीं करेंगे और दवा के चक्कर में रहेंगे तो फिर ये दवा तो आपको कुछ देर के लिए रिलीफ तो मिल जाएगा पर आपको परमानेंट रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपको मील रेगुलराइज करना है। अच्छा, अब मान लीजिए इसके बावजूद भी आपके पेट में गैस बनती ही है कि आप कुछ लोगों में इंटेस्टाइन, तो आपको आपके आंतों को मजबूत करना है और आंतों के मजबूत करने के लिए मैं आपको कोई योगा है वो आप अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है और वज्रासन, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप लगता है आपको सुनने में कि अब योगा कौन करे कैसे करे, टाइम में बोरिंग लगता है, पर आपको ये सब चीज़ें आपको अपने लाइफ में आपको इंट्रोड्यूस अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानिए आपकी गैस बनने की समस्या जो है वो आपकी सॉल्व होगी। ये बेसिक चीज़ है, जानते हम सब हैं, समझते हम सब हैं, डॉक्टर की बात भी हमको खूब समझ में आती है पर हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, अब उसके बावजूद भी आप कुछ मेडिकेशन की वाली जो बात आई, अगर तो आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ की तो आपको दूर करना है, चाहे उसको आप खाना रेगुलराइज करके कीजिए, नहीं तो फिर आप जो कब्ज की दवाएं जो मार्केट में उपलब्ध है वो आप दवा ले सकते हैं और आपका कब्ज ठीक हो जाएगा तो पेट फूलना और गैस की समस्या आपकी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दूसरा है एक दवा जो है जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को, वो हिमालय कंपनी की दवा कैसेक्स करके आती है, कैसेक्स ये दवा ले सकते हैं आप, इससे भी गैस जो है वो निकल जाती है। कुछ लोग जिनमें बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये बाजार में मिल सकता है आपको एक्टिवेटेड चारकोल की गोलियाँ। ज़्यादातर हम ये गोली हम उनको देते हैं जब हम एक्सरे कुछ कराने होते हैं, पर्टिकुलर हम चाहते हैं आंतों में गैस ना रहे तो हम कहते हैं रात को भैया चार गोली खा के आ जाना, पर अब दिन में एक एक गोली तीन बार एक्टिवेटेड चारकोल की ले सकते हैं, इससे भी आपको जो अंदर का जो गैस है वो चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो लैट्रिन के रास्ते आपका गैस निकल जाएगा। कुछ जो पीने वाले सिरप हैं जैसे डाइजिन सिरप
सिरप है, जेलुसिन सिरप है, और जिसमें सेमेथिकोन होता है, कुछ ड्रग्स इसमें अवेलेबल हैं, ये लेने से भी आपको गैस फॉर्मेशन में आराम मिल जाता है। तो पूरा सारांश मेरा आपको समझाने को ये हो भाइयों बहनों प्रियजनों मेरे समझदार सब्सक्राइबर्स, लबोलबाप जो मैं आपको समझा दूँ वो ये है कि गैस जो ज़्यादातर बाहर की जो हवा है वो हम अंदर ले रहे हैं, तो इसलिए भाई देखिए ज़्यादा डॉक्टर चक्कर में गैस को लेकर तो पड़ी मत। आप एक बार लाइफ चैनलाइज करके तो देखिए, आप खाना चैनलाइज करके तो देखिए, आप एक्सरसाइज करके तो देखिए, आप घूम के तो देखिए, आप योगा करके तो देखिए। आप वो सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं बस दवा घटक लो और खा लो और चलो भैया अब हो गया काम, अब निकलो अपने काम पर। ठीक नहीं, कुछ लोगों को मान तो काम होता है भाई कुर्सी पर बैठे, अब कुर्सी पर आप 8-10 घंटा बैठे रहेंगे तो पेट आपका खुलेगा ही ना, आपके बाउल मूवमेंट होगी ना आपकी गैस मूवमेंट होगी, तो क्या होगा, पेट खुलेगा आपका, फिर टकारे भी आएंगे आपको। तो अगर ऐसे लोग हैं वो 1-1.5 घंटे के बाद अपनी कुर्सी छोड़ लें, ऑफिस में थोड़ा टहल लें, घूम लें, फिर लें, थोड़ा सा मूवमेंट तो दीजिए अपने बाउल को, और ये थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। और खाना जो है आप घर से टिफिन लेके जाते चौथे उसको ठंडा खाना ना खाएं, आप थोड़ा सा खाना गर्म कर लें और धीरे धीरे, जैसे नहीं कि बॉस ने फाइल दी है काम करना, तो भैया आप रोटी के लिए तो भैया नौकरी कर रहे हो ना, तो क्यों ऐसी क्यों सी आफत टूट जाएगी, अपने बॉस से कह दो भैया थोड़ा 10-15 मिनट छोड़ दो हमको, आपको आराम से खाना तो खाने दो। तो खाना तो भैया देखो अपना काम, आप तसल्ली बख्श ही खाना खाइए, आप 15-20 मिनट आराम से चबा चबा कर मुंह बंद, क्या कहते हैं मुंह बंद कर खाओ, क्यों कहते हैं, क्योंकि हवा ना लो, एक तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है, आप इसे चबा रहो, मुंह बंद करके शांति से आप खाना खाइए, जिससे कि हवा भी कम जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, यही जो बाहर की हवा लेते हैं यही पेड़ में आपके जाती है, कुछ में अगर आपको लगता है जो आपको डकार आती है, डकार में अगर आपके बदबू आ रही है, तो वो इनडाइजेशन का कारण है, आप अपना लीवर का टेस्ट करा लीजिए, या तो फिर आपके पेट में इन्फेक्शन है, उसके लिए उचित रहेगा, मैं जो कह रहा हूँ वो दवा लिए नहीं है, बाजार से लेके खाने लेना है, डॉक्टर से बात कर लेना, ओफ्लम मैक ओजेड सुबह शाम 5-7 दिन का कोर्स कर लीजिए, तो जो आपको गंदे बैक्टीरिया जो गंदे गंदे गैस बना रहे हैं वो सब मर जाएंगे। और आप अच्छे बैक्टीरिया किस में होते हैं, दही में होते हैं, योगर्ट में होते हैं, ये खाने में एक टाइम में ऐड कर लीजिए, मोस्टली लंच के टाइम में ऐड कर लीजिए, ब्रेकफास्ट में ऐड कर लीजिए, ये आपके अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को जनरेट करते हैं, क्योंकि गंदी गंदी गैसेस को आपको हटा देते हैं, इसको आप खाने में ऐड कर लीजिए। पुदीना है, पुदीना आप खाने में ऐड कर सकते हैं, बाकी तो आपके घरेलू नुस्खे बहुत सारे हैं, ये लोग कोई कहता है सौंफ खा लो जी, कोई कहता है लौंग खा लो जी, कोई कहता है आपको तेज पत्ते का पानी पी लो जी, कोई कहता है अदरक का पानी पी लो जी, ये सब कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं, ये सब आप कर सकते हैं। तो अगर तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट कीजिए, मुझे भी तो लगे आप लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, और मैं यही कामना करता हूँ आप लोगों का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहें, आप लोग को फले फूलें, कोई भी दिक्कत होने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं शाम को 5 से 6 बजे के बीच में मेरे बताए गए नंबर में। आप लोगों का दिन शुभ हो, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।